हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉली। टुडे इज़ माय टॉपिक ब्लड शुगर लेवल चार्ट, जिसमें हम जानेंगे नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए, लो शुगर कितनी होनी चाहिए एंड हाई शुगर कितनी होनी चाहिए। ये फोर चार्ट है, तो वन बाय वन करके आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल चार्ट, जिसमें ब्लड शुगर लेवल बता रखे हैं कितने टाइप्स के होंगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे फास्टिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए एंड पोस्ट मील वैल्यू 2 आवर्स आफ्टर द मील्स, राइट। तो फर्स्ट क्या है इसमें, ब्लड शुगर लेवल। तो नॉर्मल कितनी होगी फास्टिंग में, 70 to 100 mg/dL होनी चाहिए। और पोस्ट मील वैल्यू यानी कि 2 आवर्स आफ्टर द मील, तब कितनी होगी, लेस देन 140 mg/dL। एंड नेक्स्ट आएगा अर्ली डायबिटिक्स कितना होगा, 101 एंड 126 mg/dL। एंड 2 आवर्स आफ्टर मील कितना होगा, 142 to 200 mg/dL होगा। एंड डायबिटिक्स है तो कितना होगा, मोर देन 126 mg/dL। एंड 2 आवर आफ्टर द मील्स में कितना होगा, मोर देन 200 mg/dL, राइट। तो ये था ब्लड शुगर लेवल चार्ट, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे नॉर्मल शुगर लेवल चार्ट ड्यूरिंग वेरियस टाइम ऑफ द डे। तो फर्स्ट केस में टाइमिंग दे रखी है, कब कब आपको कैसे कैसे चेक करना और कितनी ब्लड शुगर का कितना रेंज होगा। आफ्टर वॉकिंग अप पर कितनी होगी ब्लड शुगर, 80 to 120 mg/dL होगी। एंड जस्ट बिफोर मील, ठीक है, तब कितनी होगी, 80 to 120। एंड अबाउट 2 आवर्स आफ्टर मील्स, लेस देन 160 mg/dL होगी। बिफोर स्लीपिंग पर कितनी होगी, 100 to 140 mg/dL होगी, राइट। ये क्या है, यानी कि आप वो कर रहे हैं खाने के जस्ट बाद, उससे पहले और सोने पर कितनी कितनी होगी, वो सब इसमें डिटेल बता रखी है। थर्ड टेबल में देखेंगे लो ब्लड शुगर लेवल चार्ट कैटेगरी में क्या है, ब्लड शुगर एंड लेवल देखेंगे। तो नॉर्मल कितनी होगी, 80 to 120 mg/dL। एंड बॉर्डर लाइन इसमें के हाइपोक्लेमिया कितनी रहेगी, 70 से mg/dL रहेगी, ठीक है। फास्टिंग हाइपोक्लेमिया 50 mg/dL। एंड इंसुलिन शॉक पर कितनी होगी, लेस देन 50 mg/dL होगी। अब हम बात करते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल चार्ट पर, और इसमें प्री डायबिटिक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मैक्सिमम लेवल कितना होगा, 100 mg, एंड मैक्सिमम लेवल कितना रहेगा इसके अंदर, 126 mg, ठीक है। और प्री डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल आफ्टर मील्स कितना होगा, 140 mg एंड 199 एंड मैक्सिमम लेवल रहेगा, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आएगा डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग पर कितनी रहेगा, मिनिमम 126 mg एंड मैक्सिमम रहेगा मोर देन 126 mg रहेगा। डायबिटिक्स में कितना रहेगा, ब्लड शुगर और लेवल आफ्टर मील पर कितना रहेगा, मिनिमम कितना होता है 200 mg और मैक्सिमम कितना रहेगा, मोर देन 200 mg। अब इसमें क्या मिनिमम बता रखा है, मैक्सिमम बता रखा है, राइट। तो ये फोर चार्ट है जिसमें पूरी डिटेल में आप उसे डिस्कस किए, जिसमें कि नॉर्मल कितना होगा, अर्ली डायबिटिक्स कितना होगा, डायबिटिक है तो कितना होगा, आफ्टर वॉकिंग पर कितना होगा और जस्ट बिफोर मील पर कितना होगा, और अगर आप कोई खाना खा रहे हैं तो आफ्टर 2 आवर्स मील्स पर कितना होगा, बिफोर स्लीपिंग पर कितना होगा, ठीक है। अगर बॉर्डर लाइन पर हैं तो कितना होगा, फास्टिंग हाइपोक्लेमिया है, इंसुलिन शॉक है, तब कितना होगा। तो पूरी डिटेल इस चार्ट के अंदर दे रखी है, तो इसके थ्रू आप अपना ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं कितना होना चाहिए, राइट। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।